इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। साथियों नमस्कार आदाब, साहित्य कला और संस्कृति के इस नए मंच पर आपका अभिनंदन है। देश के मौजूदा स्थिति को बयां करती हुई ओम प्रकाश आदित्य की एक मशहूर कविता आपके सामने प्रस्तुत है और कविता आज के परिवेश को जिस तरह से रेखांकित करती है हमें सोचने और समझने के लिए विवश कर देती है। कविता की ये पंक्तियाँ, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं, गधे हंस रहे आदमी रो रहा है, हिंदोस्तां में ये क्या हो रहा है, जवानी का आलम गधों के लिए है, ये रसिया ये बालम गधों के लिए है, ये दिल्ली ये पालम गधों के लिए है, ये संसार सालम गधों के लिए है, पिलाए जा साकी पिलाए जा डटके, तू विस्की के मटके पे मटके पे मटके, मैं दुनिया को अब भूलना चाहता हूँ, गधों की तरह झूमना चाहता हूँ, घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे हैं चवन प्रास देखो, गधे खा रहे हैं चवन प्रास देखो, यहाँ आदमी की कहाँ कब बनी है, ये दुनिया गधों के लिए ही बनी है, जो गलियों में डोले वो कच्चा गधा है, जो कोठे पे बोले वो सच्चा गधा है, जो खेतों में दिखे वो फसली गधा है, जो माइक पे चीखे वो असली गधा है, जो माइक पे चीखे वो असली गधा है, मैं क्या बक गया हूँ ये क्या कह गया हूँ, मैं क्या बक गया हूँ ये क्या कह गया हूँ, नशे की पिटक में कहाँ बह गया हूँ, मुझे माफ करना मैं भटका हुआ था, मुझे माफ करना मैं भटका हुआ था, वो ठर्रा था भीतर जो अटका हुआ था, वो ठर्रा था भीतर जो अटका हुआ था।